जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक मुख्य साधना है। कहते ना कि साधनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक सभी साधनाओं की एक आधारभूत साधना जिसको बोलते हैं, जो तंत्र शास्त्र की मुख्य देवी है, वो भद्रकाली है। और भद्रकाली की साधना अगर कोई करे और उसका कार्य उसी क्षण संपूर्ण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो एक गोपनीय जो प्रयोग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी साधना की चर्चा करूँगा, ठीक है, और उस साधना को संपूर्ण रूप से आपको बताऊँगा कि वास्तव में भद्रकाली की साधना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे की जानी चाहिए, तरीका क्या है उसका, सही ढंग क्या है करने का। देखिए, काली की जो साधना है वो 10 महाविद्याओं में ये प्रमुख देवी होती है, महाकाली। और महाकाली में भी जो भद्रकाली है, और वो भी तीव्र भद्रकाली, वो साधना मैं आज आपको बताऊंगा। और एक एक बात और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भद्रकाली की साधना दो तरीके से होती है। एक तो तीक्ष्ण प्रक्रिया होती है, जो जिसमें कि आपका अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अनिष्ट होने की संभावना रहती है। और दूसरी होती है सौम्य साधना, वो भी तीव्र भद्रकाली की ही साधना है, लेकिन उसमें अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपके ऊपर नहीं आता, ना ही कोई प्रयोग उल्टा आपके ऊपर आएगा, ठीक है। तो वही मैं सौम्य साधना आपको बताऊंगा, क्योंकि तीक्ष्ण साधना मैं आपको नहीं बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में जो साधक होते हैं वो गलतियां कर बैठते हैं, जो नए साधक होते हैं, तो इसलिए तीव्र साधना नहीं बताऊंगा, सौम्य साधना आपको बताऊंगा। देखिए, काली की साधना जो है वो एक अत्यंत ही दुर्लभ और एक अद्वितीय साधना होती है। ये साधना है, इसको सन्यासी तो करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति अगर करना चाहते हैं तो वो ये सौम्य साधना कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप भद्रकाली की साधना करते हो तो समस्त प्रकार की जो भी आफतें होती हैं उन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। ऐश्वर्य, धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म होती हैं आपकी, या फिर आपके जीवन में शत्रु ज़्यादा हैं, बाधाएं बहुत आ रही हैं, आप कोई कार्य करना चाहते हैं कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी की समाप्ति के लिए जो चैतन्य साधना है वो तीव्र भद्रकाली साधना है। अगर आप इस साधना को करते हो तो 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जीवंत जो साधना है जो तीव्रता के साथ में सिद्ध होती है, वो या तो भैरव की साधना या फिर भद्रकाली की साधना, यही साधनाएं हैं। और देखिए, जो काली की उत्पत्ति है वो जगदम्बा के ललाट से है। जो काली की उत्पत्ति हुई है वो माता जगदम्बा के जो ललाट है वहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जगदम्बा यानी दुर्गा तो इन सभी शक्तियों की आधार है। जगदम्बा साधना भी मुख्य साधना है। कहते ना कि ये सब पत्तियाँ हैं तो जगदम्बा उनकी जड़ है। जगदम्बा से ही यानी दुर्गा से ही सारी शक्तियाँ ये निकली हैं। 10 महाविद्याएं ये जगदम्बा से ही प्रकट हुई हैं। अब 10 महाविद्याओं में भी जो माता काली है वो प्रमुख रूप से पहले नंबर पर आती है, ठीक है। तो तंत्र के क्षेत्र में काली को ही एक प्रमुख शक्ति होती है। अच्छा, इसमें भी कई भेद होते हैं। काली के असंख्य रूप हैं, इनको भद्रकाली भी बोलते हैं, शमशान काली भी बोलते हैं, महाकाली भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से तीन रूपों की ज्यादा पूजा होती है, तीव्र भद्रकाली और शमशान काली और महाकाली की। हालांकि देखो, साधना ये तीक्ष्ण साधना मानी जाती है,
क्योंकि जैसे ही काली का नाम आता है तो अंदर से दिल घबराने लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए अगर कुछ गलती हो जाए तो। लेकिन जो तीक्ष्ण और सौम्य है, दोनों तरीके से ये साधनाएं की जाती है। और जो तीक्ष्ण साधना होती है, जो वाम मार्गी साधना होती है, उसको ज्यादातर सन्यासी लोग अपनाते हैं, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो सौम्य साधना कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सौम्य प्रक्रिया है। उसको अपना करके ये साधना आराम से की जा सकती है। और अगर आप ये साधना करते हैं, ग्रस्त व्यक्ति हैं, तो आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोई डर की संभावना है ही नहीं, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक भ्रांति है। ठीक है, यदि साधना में कोई न्यूनता रह भी जाएगी ना, तो उसके विपरीत जो परिणाम होगा वो आपको भोगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और देखिए भद्रकाली का जो प्रयोग है वो करने के बाद तक्षण उसमें मतलब बहुत तीव्रता के साथ में उसमें सफलता दिखाई देती है। ठीक है, चाहे उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि साधना के बीच में ही समाप्त आपको नहीं करनी है साधना, मतलब कि साधना आपको बीच में नहीं छोड़नी है। साधना अगर आपने शुरू कर दी तो फिर उसको पूर्ण करना है। और देखिए कई बार तो क्या होता है कि अगर आप साधना करने बैठते हो तो साधना संपूर्ण होने से पहले ही आपका कार्य संपन्न हो जाता है, वो जिस कार्य के लिए भी आप ये साधना शुरू करते हो। लेकिन अगर आपका कार्य संपन्न भी हो जाए तब भी आपको साधना बीच में नहीं छोड़नी है, साधना आपको पूरी ही करनी है। तो अब मैं आपको इस साधना के विषय में कि भाई ये साधना आपको कैसे करनी है, तो उसके विषय में संपूर्ण रूप से विधि में आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस साधना में मुख्य रूप से तीन सामग्रियों की आवश्यकता होगी आपको, भद्रकाली यंत्र, काली हकीक माला और एक रक्षा माला। रक्षा माला को आप जब मंत्र जाप करेंगे तो अपने गले में धारण करके, और मंत्र जाप आपको जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक वो गले में धारण रहनी चाहिए, और जैसे ही मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद माला को उतार के पूजा स्थान में ही रख दें। तो और आपको ये सामग्रियाँ अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप ये सामग्रियाँ आप मंगा सकते हैं। मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप मंगवा सकते हैं। और ये साधना आपको केवल एकादशी से ही शुरू करनी है, एकादशी से अमावस्या तक की ये साधना है और केवल 3 दिनों की साधना है ये। ठीक है, केवल 3 दिनों का प्रयोग है ये, जो कि किसी भी एकादशी से शुरू करके और अमावस्या की रात्रि तक आप कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि दीपावली पर तो खैर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि सामग्री नहीं मिल पाएगी उतने टाइम से, तो आप आगे आगे आने वाली जो अमावस्या है उससे पहले जो एकादशी आती है उससे आप कर सकते हो शुरू। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और अपना पूजा स्थान जो है आपका घर में ही किसी भी कमरे में आप कर सकते हो, या अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बाहर जाने की आवश्यकता होगी। पूजा स्थान को साफ सुथरा कर लें और स्नान आदि करके सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर लें और फिर एकांत में बैठ जाएं। पूजा स्थान में ही एक चौकी सामने रख लें और उस पर आपको सफ़ेद रंग का ही कपड़ा आपको उस पर बिछाना है। एक तेल का दीपक लगाएं, सुगंधित अगरबत्ती वगैरह जो भी है वो आप लगा सकते हैं, लाल पुष्प भी चढ़ाने के लिए वो भी आप लेकर के आ सकते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आपने चौकी लगाई है उस पर भद्रकाली यंत्र को स्थापित कर दें सफ़ेद रंग के कपड़े पर। अब सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं तो फिर उन्हीं का आपको पूजन करना है, और जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया है वही गुरु मंत्र आपको जपना है और गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लेनी है
कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए। अगर गुरु आपके नहीं हैं तो फिर आप भगवान शिव को गुरु मान करके इस साधना को कर सकते हो। तो गुरु का आपको पंचोपचार पूजन आपको करना है। और पंचोपचार में क्या होगा, क्या होता है कि उसके लिए दीपक दिखाना हुआ, या फिर पुष्प चढ़ाने हुए, रोली का टीका लगाना हुआ, नैवेद्य चढ़ाना हुआ, मतलब कि जो जो आपने मिष्ठान रखा है भोग के लिए वो आप चढ़ा सकते हैं। और गुरु मंत्र का एक या दो माला का जाप आप जरूर कर लें, ठीक है। अगर गुरु नहीं है, शिव को गुरु माना है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो माता भगवती यानी भद्रकाली का जो चित्र है वो भी सामने रख लें, और माता की ध्यान, माता को मतलब कि ध्यान आपको कैसे भी आप कर सकते हो, कुछ मंत्र बोल करके कर सकते हैं, या ध्यान आंख बंद करके भी कर सकते हो, माता से प्रार्थना कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो माँ की, जो काली की, जो मुख्य जो नौ शक्तियाँ होती हैं, उनका पूजन आपको जरूर करना होता है। उसके बाद में यंत्र के चारों ओर कुमकुम से नौ बिंदी लगा दें, यंत्र के चारों तरफ, जो आपको यंत्र मिला है ताम्र पत्र वाला, उस पर चारों तरफ नौ बिंदियाँ लगा दें। और बिंदियाँ लगाते टाइम आपको उच्चारण करें, जैसे कि ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्याय नमः, ओम दोग्ध्रय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम मंगलाय नमः। इस तरीके से आपको ये नौ जाप करना, ये मैं लिख करके दे दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप नोट कर लेना। और उसके बाद माता का आपको पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करें। और उस जब पूजन आपका हो जाए तो जो काली हकीक माला है उससे आपको मंत्र जाप शुरू करना है, और आपको 11 माला का मंत्र जाप करना है, लगातार 11 माला का मंत्र जाप करना है। और उससे पहले आपको संकल्प लेना है, माता से प्रार्थना करनी है, जो भी आपका कार्य है उस कार्य के बारे में आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि ये कार्य मेरा पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा मंत्र जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम भम भद्राय नमः आगच्छ भम ओम, ये छोटा सा मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। और जब आप जाप कर लें तो फिर माता को खीर का भोग जरूर लगाएं, ठीक है, और स्वयं उस भोग को ग्रहण करना है। फिर आपको मतलब आपको वो भोग खुद खाना है पूरा, किसी को नहीं देना है। इस प्रकार से 3 दिन ये साधना करनी है अमावस्या तक, तो अमावस्या को ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक दो दिन में ही आपका कार्य हो जाता है पूर्ण, चाहे वो आपका कैसा भी कार्य हो, किसी भी कार्य के लिए कैसा भी संकल्प आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन मतलब जब 3 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर अगले दिन यंत्र, जो यंत्र है, यंत्र को किसी भी नदी में आप विसर्जित कर दें, बहते हुए पानी में या किसी पोखर में, तालाब में, कहीं पर भी विसर्जित कर दें, ठीक है। और जब भी किसी विशेष कार्य के लिए तुम्हें जाना हो कहीं पर भी, तो जो काली माला है उसको धारण कर लें और मंत्र को 7 बार उच्चारण कर लें, ठीक है। और जिस कार्य के लिए तुम जाओगे वो कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये 100% सच है, ठीक है। और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, जब आप वापस आओ, तो माला को उतार करके और पूजा स्थान में ही रख दें, ठीक है। और ये जो माला है, इस माला से केवल काली साधना को ही किया जा सकता है, इस माला से काली साधना ही संपन्न करें, केवल कोई दूसरी साधना संपन्न ना करें इस माला से, ठीक है। केवल ये काली जो भद्र काली है उन्हीं की साधना में ये माला यूज होगी। इससे आप इसी मंत्र को बीच में भी आप जाप कर सकते हैं, कभी भी दोबारा से साधना करें तो केवल मंत्र जाप करने की आवश्यकता है इसमें, फिर यंत्र की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, केवल माला से मंत्र जाप कर लें, ठीक है, तब भी आपके कार्य पूर्ण होंगे।
तो देखिए ये साधना मैंने आपको बताई है और ये बहुत ही अच्छी साधना है, केवल सौम्य साधना है, ये कोई तीव्र साधना नहीं है। अगर इस साधना में आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तब भी आप समझिए कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।